हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के बारे में, कि जो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स के तौर पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में हम सीखेंगे कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये ड्रॉप्स काम करते हैं। उनके डेली डोज के बारे में सीखेंगे कि जो पैरासिटामोल का ये जो ओरल सस्पेंशन है, तो उसको ड्रॉप्स के तौर पे हम किस तरह से यूज़ करें, उसका डोज किस तरह से कैलकुलेट करें, और जानेंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप टाइटल स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि जो पैरासिटामोल के पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, कि जैसे कि आप यहाँ पे मैनकाइंड का फॉर्मस एक फेमस फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कि जो है T98, उसी तरह से ये कालपोल करके भी GSK का प्रोडक्ट है कि जो काफ़ी फेमस है। तो इसी के बारे में सीखते हैं डिटेल में और जानेंगे कि बच्चों के लिए उसका सही उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर, PPT एंड PDFs फार्मर ऑक्स की ऐप ऊपर। तो अब आप ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, उनके PDF एंड PPTs एक्सेस कर पाओगे, जान पाएंगे मेडिकेशंस के बेसिक यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, उनके वार्निंग्स वगैरह के बारे में। तो दवाइयों की जानकारी आपको पूरी मिलेगी सही से, वो भी सरल भाषा में फार्मर ऑक्स मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स और एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के बारे में। तो पैरासिटामोल का ये जो पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन है, ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस के कैटेगरी में आता है, और ये मेडिकेशन जो है वो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स के तौर पर मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, कि जो खासकर 1 से लेकर 11 मंथ के जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, कि उनको समझो कि फ़ीवर है तो फीवर को ट्रीट करने के लिए, या फिर जो बॉडी पेन हो रहा है 1 से लेकर 11 मंथ के बच्चों के अंदर, तो उनको ये पैरासिटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो है वो दिए जाते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि पैरासिटामोल क्या है। तो पैरासिटामोल जो है वो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिकेशन है। एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस मतलब कि ऐसे मेडिकेशन की जो प्रिवेंट भी करते हैं और रिड्यूस करते हैं फीवर को। फीवर मतलब कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल से इंक्रीज होता है, कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप सभी को पता है कि वो फ़ारेनहाइट के अंदर हम देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और उसी को अगर आप सेल्सियस में कैलकुलेट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है, बट ये नॉर्मल से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कि वो कंडीशन को हम कहते हैं फीवर की कंडीशन। तो फीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ उसके पास एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी है, तो एनाल्जेसिक मेडिसिन के तौर पे वो बॉडी के अंदर होने वाले पेन सेंसेशन को जो है वो प्रिवेंट करवाता है और रिड्यूस करता है, जिससे जब आप ये मेडिकेशंस खाते हैं तो उससे क्या होता है कि फीवर का तो ट्रीटमेंट हो ही जाता है, और साथों साथ जो पेन होता है वो भी कम हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है ये पीडियाट्रिक ड्रॉप्स के अंदर, कि जब बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए पैरासिटामोल के पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, कि ट्रीटमेंट ऑफ फीवर के। समझो कि बच्चों के अंदर आप देखो तो उनका बॉडी टेम्परेचर समझो कि हाई दिखा रहा है, तो उस वक्त आप ये यूज़ कर सकते हैं पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के ड्रॉप्स। फिर एज अ पेन रिलीफ, कि उनको पेन हो रहा है कुछ, एनाल्जेसिक के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पेन हो रहा है बेबी को, या फिर पेन या फिर फीवर हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन इन बेबी, कि जो 1 से लेकर 11 मंथ लेके, समझो कि उनका टीकाकरण हुआ है, कि जो वैक्सीन दिए जाते हैं छोटे बच्चों को, तो वैक्सीन देने के बाद हमें पता होता है कि वो उनको फीवर जैसी कंडीशन हो जाती है, और साथों साथ बॉडी पेन भी होता है। तो टीकाकरण के बाद भी ये पैरासिटामोल के पीडियाट्रिक ड्रॉप 2 से लेकर 3 दिन तक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कि अगर उनको फीवर जैसी कंडीशन है। तो आगे समझना ज़रूरी है कि मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है
कि ये जो मेडिकेशंस को यूज़ कैसे करना है छोटे बच्चों के लिए, तो सबसे पहले आपको उसका मिनिमम डोज जो है वो पता होना चाहिए कि जो मिनिमम डोज रहता है ये मेडिकेशन का वो रहता है 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो ये हो गया उसका मिनिमम डोज। तो खासकर 20 से लेकर 30 मिलीग्राम जितना हम उसका मिनिमम डोज जो है वो कंसिडर करते हैं, और जो मैक्सिमम डोज जो उसका रहता है 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे। मतलब कि मैक्सिमम जो है वो आप 30 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम और मिनिमम जो है वो 30 या फिर 20 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो बच्चों को दे सकते हैं एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो जो T98 करके जो मैनकाइंड का फॉर्मुलेशन है उसके हम लेबल्स देखें तो उसके अंदर भी लिखा है कि मैक्सिमम डोजेस 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज। मतलब कि एक साथ नहीं देना होता, ये भी डिवाइडेड डोज में होता है। तो वो पे मैं आपको आगे अच्छे से समझाता हूँ। फिर यहाँ पे देखो कंपोजिशन में क्या लिखा है कि ईच ml, मतलब कि जब आप ये मेडिकेशंस को 1 ml जितना लेते हैं ड्रॉपर के अंदर, कि यहाँ पे देखो साइड में ड्रॉपर मैंने दिखाया आपको कि ये ड्रॉपर के अंदर समझो कि आप 1 ml जितना ड्रग ये मेडिकेशंस लेते हैं ओरल सस्पेंशन, तो उसके अंदर रहेगा पैरासीटामोल 100 मिलीग्राम। और 100 मिलीग्राम जितना मेडिकेशंस रहेगा कि समझो कि 1 ml जितना हम लेते हैं ये मेडिकेशन को, कि टोटल 15 ml होता है, तो 1 ml जितना समझो कि आपने ये ड्रॉपर के अंदर मेडिकेशन लिया तो उसके अंदर रहेगी 100 मिलीग्राम जितना पैरासीटामोल रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि 1 ml बराबर होता है 20 ड्रॉप्स। यहीं पे आपको अच्छे से समझना है कि 1 ml बराबर हो जाता है 20 ड्रॉप्स। तो यहाँ पे 1 ml बराबर हो जाता है 100 mg। तो अब दोनों को समझो कि आप कंपेयर करो तो इस तरह से हो जाएगा कि 20 ड्रॉप्स समझो कि आप देते हैं किसी बच्चे को, तो 20 ड्रॉप्स बराबर हो जाएगा 100 मिलीग्राम जितना, कि ये ड्रॉपर से समझो कि आप 20 ड्रॉप्स जितना मेडिकेशंस देते हैं तो उसमें 100 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन जो है उसको डिलीवर होगा। तो अब हमें जो मेन कैलकुलेट करना है ये है कि समझो कि एक ही ड्रॉप मेडिकेशन देते हैं तो उससे कितना जाएगा, तो एक ड्रॉप में जाएगा 5 मिलीग्राम। किस तरह से कि आप 20 ड्रॉप्स देते हैं तो 100 मिलीग्राम जाता है, 1 ड्रॉप देने से कितना जाएगा, तो सिंपल मैथ्स की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 × 1/20, तो वो हो गया 5 मिलीग्राम। तो अगर आप समझो कि एक ही ड्रॉप मेडिकेशन ये ड्रॉपर से देते हैं, कि सिर्फ एक ड्रॉप या फिर एक ही बूंद नीचे गिरती है एक ड्रॉप जितना, तो एक ड्रॉप के अंदर मेडिकेशन हो जाएगी एटलीस्ट 5 मिलीग्राम जितनी। तो इसी पर से आपको जो है वो आगे चाइल्ड डोज जो है वो कैलकुलेट करना है, कि ये हो गई रेंज कि 20 या फिर 30 मिलीग्राम पर और डे केजी के अकॉर्डिंग टू, और 60 एमजी पर केजी पर डे। तो अब आप समझो कि जैसे अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कि मिनिमम डोज हो गया 20 से लेकर 30 मिलीग्राम जितना पर केजी पर डे, कि समझो कि बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग टू लेना है, और मैक्सिमम डोज 60 एमजी पर केजी पर डे, और ये सब हमने कैलकुलेट करके लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया कि 1 ड्रॉप बराबर हो जाएगा 5 मिलीग्राम जितना। तो अब आप सही से कंसीडर करो कि अगर किसी बच्चे का वेट है 3 किलोग्राम, तो 3 kg का समझो कि बच्चे का वेट है, तो अगर समझो कि उसका मिनिमम डोज में हम रेंज 20 कंसीडर करें तो उसके लिए मिनिमम डोज हो जाएगा 60 mg पर डे, और समझो कि हम 30 कंसीडर करें तो हो जाएगा 90, बिकॉज आपको सर कैलकुलेट करना है कि 1 किलोग्राम वेट है तो उसके लिए डोज देना है 20 मिलीग्राम, और वेट समझो कि बच्चे का है 3 किलोग्राम तो उसके लिए डोज हो जाएगा 60 mg। अगर 20 के बजाय हम 30 कंसीडर करते तो उस वक्त हो जाएगा 90। तो इस तरह से प्रॉपर रेंज आपको मिल गई कि 60 से लेकर 90 मिलीग्राम पर डे जितना मिनिमम डोज जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो उसके ड्रॉप्स निकाले तो होगी अराउंड 12 से लेकर 18 ड्रॉप्स। अगर अब यहाँ पे आप समझो कि एक ड्रॉप बराबर हो गया 5 मिलीग्राम, तो 5 मिलीग्राम के हुए एक ड्रॉप, अगर आपको बच्चे को देना है एटलीस्ट 60 मिलीग्राम तो उसके लिए कितने ड्रॉप होंगे, तो आपको इस तरह से सिंपल कर लें कि 60 × 1/5, तो आसानी से मैथ्स के कैलकुलेशन से हो गया आंसर 12।
उसी तरह से 90 के लिए आ जाएगा। 60 के बजाय समझो कि हम 90 ले लेते हैं और यहाँ पे 90 कर लिया, तो 5 × 90 तो वो हो जाएगा आंसर 18। तो ये आपको रेंज मिल गई कि एटलीस्ट 12 से लेकर 18 जितने ड्रॉप्स जो है वो बच्चे को देने चाहिए एक दिन के अंदर। ये ड्रॉप्स पूरे दिन के हो गए। अब ये इतने ड्रॉप्स हम एक टाइम पे तो नहीं दे सकते, इसलिए उसको डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करते हैं एटलीस्ट 6 से लेकर 8 आवर के टाइम डिफरेंस के अंदर। तो समझ लो कि उसको डिवाइडेड डोज में इस तरह से हम यूज़ करेंगे कि 4 से 6 ड्रॉप्स जो है वो आप मॉर्निंग में दे सकते हैं, दूसरे 4 से 6 ड्रॉप आप आफ्टरनून में दे सकते हैं, और तीसरे 4 से 6 ड्रॉप आप नाइट में दे सकते हैं। इस तरह से प्रॉपर 8, 8 and 8 आवर्स का जो है वो टाइम डिफरेंस हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर। तो मैक्सिमम आपने 3 जितने डोज दे दिए एक दिन के अंदर, और ये देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो भी ये हो गए टोटल 12 ड्रॉप्स, और इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आपके हो गए टोटल 18 ड्रॉप्स। तो मतलब 12 से लेकर 18 जितने ड्रॉप्स जो है आपको पूरे दिन में देने हैं, और एक टाइम पे आप 4 से लेकर 6 ड्रॉप्स जितना मॉर्निंग में दे सकते हैं, उसी तरह से आफ्टरनून। तो इस तरह से डोज कैलकुलेशन हो जाता है बच्चों के लिए कि जब आपको ये ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। खासकर आपको जो है वो मेडिकेशंस के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट खास देख लेना चाहिए कि कितने ml का ये कंटेंट है। तो अब समझते हैं उसकी मेकेनिज्म के पैरासीटामोल किस तरह से काम करते। तो एग्जैक्ट मेकेनिज्म जो है उसकी अभी तक किसी को खास पता नहीं है, बट एक स्टडी के अकॉर्डिंग टू जो पैरासीटामोल है वो क्या करता है, जो NMDA रिसेप्टर्स होते हैं कि एन मिथाइल डी एस्पार्टेट NMDA जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को जो है वो खास कर ये इनहिबिट करता है कि इनहिबिट द नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे बाय वेराइटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इंक्लूडिंग NMDA, कि जिसके कारण क्या होता है कि एलिवेशन हो जाते हैं ब्रेन थ्रेशोल्ड्स का। साथों साथ ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं उनके प्रोडक्शन को जो है वो रिड्यूस करती है, कि जो ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं कि जो रिलीज होते हैं तो वो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो इस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट समझे तो लीवर डैमेज हो सकता है कि अगर आप उसको हाई डोज में यूज़ करते हैं, कि जैसे अभी मैंने आपको प्रॉपर डोज कैलकुलेशन सिखाया तो उसके अकॉर्डिंग टू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझे कि कोई पर्सन हाई डोज में उसको दे देता है बच्चों के अंदर, कि प्रॉपर उनका जो है डोज कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है। कि समझो कि बच्चे का वेट जैसे हमने सीखा कि समझो कि बच्चे का वेट है आपका 5 किलोग्राम का है, और आप कंसिडर करते हैं 20 मिलीग्राम पर kg पर डे वाला मिनिमम डोज आप कंसिडर करते हैं वो बच्चे के लिए, तो उसके लिए 20 मिलीग्राम पर kg है, तो 5 kg के लिए हो जाएगा डोज 100 मिलीग्राम पर डे। तो ये 100 मिलीग्राम बराबर कितने ड्रॉप्स हुए, तो अब आपको जानना है कि एक ड्रॉप के अंदर होता है एटलीस्ट 5 मिलीग्राम जितना ड्रग, तो 100 mg के लिए कितने ड्रॉप्स होंगे, तो वो हो जाएंगे अराउंड 20 जितने ड्रॉप्स हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 किलोग्राम पे समझो कि बच्चों का वेट है, तो उस वक्त आप 20 जितने ड्रॉप्स जो है वो पूरे दिन में दे सकते हैं। और उसको जब 20 जितने ड्रॉप्स हो तो उस वक्त हमें 4 बार डिवाइड करना चाहिए कि 5 ड्रॉप्स × 4 कर सकते कि टोटल 20 ड्रॉप्स जो है वो दिन में चले गए। कि 5 ड्रॉप आप सुबह देते हैं, 5 ड्रॉप आफ्टरनून में देते हैं, 5 ड्रॉप जो है वो शाम को देते हैं, और 5 ड्रॉप फिर नाइट में देते। तो इस तरह से भी आप प्रॉपर वेट के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करके डोज देते तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट कोई समझो कि एक ही टाइम हैवी डोज दे देता है या फिर हाई डोज में यूज़ कर लेते, तो उस वक्त हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है बच्चे के अंदर, कि इस तरह से उसके बॉडी के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिले, फिर रैशेस देखने को मिल सकते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे, फिर और स्वेलिंग देखने को मिले स्किन के ऊपर, स्टमक के अंदर पेन हो सकता है, नौजिया हो सकता है एंड वॉमिटिंग। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन के। फिर उसके वार्निंग्स देखें तो अगर समझो कि बच्चे को पैरासीटामोल की हाइपर सेंसिटिविटी है, कि पैरासीटामोल देने से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उसको देने उसके अंदर देखने को मिलती है,
तो तुरंत मेडिकेशंस को देना बंद कर देना चाहिए। फिर एलर्जिक रिएक्शन उसके कारण हो रही है। फिर डोंट यूज़ इफ़ बेबी हैव ए लीवर डिसीज़, कि अगर बच्चे को जन्म से ही कोई लीवर का प्रॉब्लम है तो उसको पैरासीटामोल ना दें। फिर विथ बर्थ ही उसको किडनी डिसीज है कोई तो भी उसको यूज़ ना करें, और इमिडिएटली आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कॉन्टेक्ट करें कि अगर कोई भी ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रही है पैरासीटामोल ड्रॉप्स को यूज़ करने के बाद, कि जिससे आप ये मेडिकेशन का जो है वो प्रॉपर सेफ़ यूज़ जो है वो कर सके। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर पैरासीटामोल के पीडियाट्रिक ड्रॉप्स के बारे में। तो बेसिक यूज़ के बारे में जानने के लिए, डोज के बारे में जानने के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स एंड वार्निंग्स के बारे में जानने के लिए ज़रूर से यूज़ करिए फार्मारॉक्स, और ये मेडिसिन रिलेटेड कोर्स को एक्सेस करें अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो फार्मारॉक्स के जो लेक्चर्स, नोट्स, PPT एंड PDF वगैरह एक्सेस करिए फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें आप फार्मारॉक्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।